स्वर्ग में आया जैसे। मैं आज आके पछता रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई। इतना अच्छा, इतना बड़ा काशी का यात्रा हो गया बेटी, मोला तो नहीं आए नाचे। गुड़ियारी में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा 9 तारीख से शुरू हो चुकी है और आज कथा का चौथा दिन है और कथा समाप्त होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ कितनी लगी हुई है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ से कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ से आए हुए हैं। माता जी आप कहाँ से आई है? झलमला। अच्छा, तो आप कब से आई है? सीधा 9 तारीख से ही आई जी। अच्छा, तो यहाँ रहने व्यवस्था कैसा कैसी है? रहने की व्यवस्था, आज तो भोजन नहीं मिला है। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके कथा सुनने के लिए? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो आपको इनकी कथा सुन के कैसा लगता है? आपके जीवन में इनकी कथा से क्या हुआ? बहुत बहुत उद्धार हुआ है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए गुरुजी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और बहुत भी मैं कुबेश्वर धाम भी घूम आई हूँ, बहुत फ़ायदा मिला है मेरे को, है ना, बहुत फ़ायदा मिला है, इसीलिए मैं 9 तारीख से आई हूँ। तो आप यहाँ सब परिवार आए हुए? नहीं, मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, बस अकेले? जी 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 जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से आए हुए हैं? हाँ। 9 तारीख से? हाँ, नहीं, हाँ, आज आया है। आज आए हैं? हाँ। अच्छा, अभी आज यहाँ रुकेंगे? आज आप? हाँ हाँ, आज रात के रुकेंगे, कल भी रुकेंगे और सुबह कल जाएंगे। तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है। आप साथ दोनों आए हैं कि आप पूरे सब परिवार? सब परिवार आए हैं, अकेले से आए हैं। अच्छा, कब से आए हो यहाँ? आज से ही आए, सुबह 10 बजे से, और आज यहाँ रुकना है हमारा। आज यहाँ रुक रहे हो आप रात? हाँ। तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही आनंद का माहौल है और सबको, पूरे देशवासियों को यहाँ आके बहुत ही अच्छा आनंदमयी खुशी का जो एक बोलते हैं वो बहुत अच्छा खुशी हो रहा है यहाँ आके। हम रायपुरी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और कल की कथा के लिए हम आज से ही मंच पर आ गए हैं, हम अपने भाई और बंधुओं के साथ में। और आज की कथा सुनी या नहीं सुनी यहाँ बैठ? आज की कथा भी बराबर सुनी है और बहुत ही मनमुग्ध हो गए हैं हम यहाँ पर आकर। और आप अकेले आए हैं कि आपके पूरे परिवार के साथ आए? हम एक्चुअली परिवार के साथ सुबह कथा सुनने आए थे, अभी हम, मैं और हमारे मित्र बंधु हम आए हुए हैं। नहीं, सुबह आ गए देख चुके, अभी सेकंड टाइम। अच्छा, तो आप भी कल सुनने के लिए आज ही से बैठे हुए? रायपुर बंजारी मंदिर। तो यहाँ आकार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे हैं। कब से आए हुए? बहुत टाइम से हो गया, 6 बजे से आ गए हम लोग। अच्छा, तो 9 तारीख से चालू हुई है कथा, तो आप 9 तारीख से सुनने आ रही है रोज? तो कथा सुन के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी भी संध्या भजन शुरू होने वाली है तो आप उसके सुन के ही कैसा लगेगा? बहुत सुंदर ही लगेगा और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की भीड़ देख के आपको कैसी लग रही है? इतना कभी भीड़ नहीं हुआ जितना अभी है। लग रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ आया यहाँ? लग रहा है पूरा छत्तीसगढ़ आया है, सब आए, बाहर तक से आए सब आए। मैं तो यहीं की हूँ, रायपुर की। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कथा में? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इन कथाओं का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और पड़ रहा है। बहुत बहुत, मतलब ऐसे सोचे नहीं थे कि यहाँ ऐसा होगा। दिन और रात कहीं का है लेकिन फिर भी 10 मिनट का रास्ता, लेकिन हम लोग यहीं रात रुक रहे हैं, यहीं देख रहे हैं, ये पब्लिक देख रहे हैं। मैं यही रायपुर शंकर नगर से आई हूँ, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कथा का प्रवचन सुन के महाराज जी का, बहुत उत्साहित। रोज आ रहे हैं 9 तारीख? हाँ हाँ, रोज आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिव महापुराण कथा की आज शाम में संध्या भजन शुरू हो चुकी है, यहाँ सभी भक्त का संध्या भजन में लगे हुए। दीदी से बात करें, दीदी कहाँ से आए हो? मैं बिलासपुर से आई हूँ। अच्छा, कब से आए हुए आप? कल से आए हम लोग। कैसा लग रहा है तो यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कल तक पूरे रुकेंगे? कल आखिरी दिन है कथा का। कल तक रुकेंगे। तो आपको कथा सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। कहाँ से आए दीदी आप? मैं सिंह के साथ हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कथा? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम लोग मुंगेली जिला से आए हैं। अच्छा, कब से आए हो? आज से आए हैं। अच्छा, तो आप कल तक रुकने का विचार है? कब से रुकेंगे? कब तक रुकने का विचार है? कल तक। अच्छा, अकेले आए हुए आप? हाँ नहीं, हम साथ में। ओडिशा से? कहाँ से? ओडिशा। अच्छा, तो 9 तारीख
तारीख से आए हुए हैं? नहीं, आज आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ भीड़ देख के कथा सुनने के लोगों के लिए? बहुत अच्छा लग रही है। आप कहाँ से? मैं भी उड़ीसा से आई हूँ। कैसा लग रहा है आज बाबा का यहाँ कथा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही रुकोगे रात में? हाँ, मैं बिलासपुर से, मैं इसकी मम्मी हूँ। अच्छा। और हम लोग बिलासपुर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप कब से आए हुए यहाँ? हम लोग यहाँ सुबह से ही आए हैं। अच्छा, तो कल तक लास्ट कथा कल चलेगी, तो कल तक रुकेंगे आप? जी हाँ। दिल्ली राजा से? इतने दूर से? इतने दूर से आए हो? हाँ, इतने दूर से आए देख सुनने के लिए। देख कैसा लग रहा है? तो कथा सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी भक्ति में डूबे या नहीं डूबे? हाँ, गए थे। अच्छा, तो आप कब से आए हुए यहाँ? हम लोग आज ही से आए थे ट्रेन से। हाँ। तो दूसरे पंडाल में बैठे थे, यहाँ आए हम लोग। अब अयोध्या से? अयोध्या से। कैसे लगते हैं मेरा आगे? अच्छा काका से। मैं राजिम से आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप तीनों सहेलियाँ आए हैं लग रहा है? नहीं, हम दोनों बहन हैं। अच्छा, कैसे लगा आगे? अच्छा लगा। अभी तो संध्या भजन चला थे बेटा? भजन भी ठीक लगा थे, मजा थे। कहाँ कब से आए हो आप? कल से। कैसे लगा ताक? बढ़िया, मस्त एकदम। आंटी आप कहाँ लाए हो? मैं कोसरंगी से आया हूँ। अच्छा, कब से आओ? हम कल के आहन। कैसे लगा? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया था, बहुत। आप कल कहाँ से आए हैं दीदी? आप बुढ़ियारी से? अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ की जो इतनी भीड़ है वो देख के कैसी लग रही है आपको? पहली बार इतना भीड़ है, इससे पहले कभी इतना भीड़ देखे ही नहीं थे यहाँ पे। अच्छा लगा थे, चारों धाम वृंदावन लगा थे। अच्छा, भीड़ देख के कैसे लगा? भीड़ देख के अच्छा लगा थी बेटा, बहुत मस्त लगा थे। और कचना ले आओ तो व्यवस्था ये है, रुकेंगे यहाँ के? अब यहाँ व्यवस्था मन कैसे, खाना वाना के रुकेंगे? जी, सब चीज है, सब मिला था टाइम टू टाइम? हाँ, सब मिला टाइम में। मैं मड़ेली से, धमतरी जिला मड़ेली से। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आए हुए हो आप? मैं दूसरा रोज से आ रहा हूँ, 10 तारीख। 10 तारीख तो यही रुके हो आपको? यही रुके। व्यवस्थाएं अच्छी है? बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ की, बहुत अच्छा। आपके चेहरे से ही पता चल रहा है खुशी, मजा बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कथा सुनने में, आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हुए? बंद्राओं से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अकेले आए परिवार के साथ आए? भाई संग आया, भैया संग। कब से आए हुए? 3 दिन हुआ है। अंकल कथा बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, यहाँ एक आत्मानुभूति हो रहा है, आत्म शांति मिल रहा है, जो चीज संसारिक दुनिया में खोजते हैं ना वो चीज यहाँ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ की भीड़ देख के वो कैसा लग रहा है? वो तो गदगद हो रहा है, मन एकदम प्रफुल्लित हो रहा है, लग रहा है कि पूरा परिवार एक जगह बैठा। हाँ, ये लग रहा है कि सनातन हिंदू जाग रहा है अब। दीदी कहाँ से आए हुए आप? बिलासपुर से। बिलासपुर कब से आए हुए? आज आप 8 रोज हो गए? 8 रोज। रोज से यही? हाँ, शुरू दिन से यही जी। व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है? एक नंबर।
उड़ीसा से सोनपुर लक्ष्मीपुर। अच्छा कब से आए हो? 5 दिन हो गया। बहुत मजा आ रहा है, बाग बाग हो गए हम लोग तो। कथा सुन के एकदम अच्छा लग रहा है। आप 4-5 साल मतलब साल 2 साल से देख रहे हैं, हम लोग का दिल हम लोग आके उधर प्रवचन सुनेंगे, लेकिन हम लोग का दिल का साझा मिट गया कि आके सुन लिए। बहुत अच्छा लग रहा है जी। कब से आए हो आप? हम अभी से आए हैं। आप कब से आए? हम अभी आए हैं। कब से आओ ना? 1 घंटा हो गया हम लोगों को। तब मजा आवा थे? बहुत मजा आ रहा है। कल आखिरी दिन है, कल आऊँ ना? हाँ आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा ले रहा है। पूरा शिव पुराण हम लोग शुरू से स्टार्ट किए, तब से मतलब सुनाई दे सुनने के लिए। हाँ, 4 दिन से हम लोग 4 दिन से यही है, दल्ली राजरा से आए हैं, और गुरु जी का प्रवचन सुन के बहुत मन आनंद हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कब तक रुकोगे यहाँ? अभी रुकेंगे, रात यही रुकेंगे, रुक लेंगे। आपको कैसा? बहुत अच्छा। कब से आए? 2 घंटे 9 से चालू हो गया, 9 तारीख से नहीं आए। आए डेली आ रहे हम लोग, बाजू में यहीं रहते हैं। डेली आके आना जाना, आप यहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? बोरिया से ही हो, रायपुर से ही। यही कैसे लगा? एकदम मस्त लगा थी। चारों धाम की यात्रा हो गई? हो गई काशी का यात्रा हो गई मेरी। आप कहाँ ले आंट? मैं रायपुर से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चारों दिन से आ रही हूँ, कल भी रहूंगी यहीं, रात भी यहीं रहूंगी। बहुत अच्छा, एकदम आनंद लग रहा है। मजा आ रहा है, भजन चल, एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रामनगर से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको मजा आ रहा है? ठीक है। कब से आए? हम लोग रोज आते हैं, घर से आते हैं। जाना जाना रोज देंगे। हाँ। आप कहाँ से आए? हम लोग जामुन से आए हैं। कैसे लगा? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत मजा। कल लास्ट दिन है, कल रुकू ना? हाँ रुकेंगे ना। आप कहाँ से आए? मैं कवर्धा से आई हूँ, 5 दिन हो गया मेरे को आए। यही रुक रहे हो? हाँ यही रोते हैं, यही खाते हैं, यही सोते हैं। व्यवस्थाएं अच्छी है? हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत अच्छा, फुल एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में ये छत्तीसगढ़ का महाकुंभ है। हमारे गुरु जी और आशीष जी को जो कहते हैं वो वाकई में सत्य है। लगा थे ना पूरा छत्तीसगढ़? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। छत्तीसगढ़ आ गए? बिल्कुल, वैकुंठ हो गया, वैकुंठ धाम हो गया, वैकुंठ धाम हो गया है ये छत्तीसगढ़ का। अच्छा, तो मजा आ रहा है यहाँ? बहुत मजा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 5 दिन 5 यही 9 तारीख से? हम 8 तारीख से आ गए हैं। 8 तारीख से? जी हाँ। यही पर शुरू करो? व्यवस्थाएं अच्छी है, बहुत सुंदर। दीदी आप कहाँ से आए हो? हम लोग बिलासपुर से। बिलासपुर से कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत ज्यादा मस्त। रुक रहे की वैसा यही पसंद है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि हम लोग घर नहीं जा पाया कल। और आपका ग्राम तो लाइफ में फर्स्ट बार देखे हैं बेटा, इतना अच्छा, इतना बड़ा नहीं है। हाँ सब कहाँ से आए? दुरुप भी लाइफ। अच्छा, तो कब से आए? आज सुबह से आए हैं, 5 बजे से, और रात भर रुक के जाएंगे। अभनपुर से। अभनपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, अच्छा लग रहा है। और तो रुकने की व्यवस्था यहीं पर हो रही है? जी। महापुराण की कथा सुने आज 4th दिन, देख ही सकते हैं आपकी भीड़ कितनी लगी हुई है। सभी श्रद्धालु भक्ति में मगन है। अभी संध्या भजन चल रही है यहाँ, देख सकते हैं सभी श्रद्धालु कैसे मग्न है भक्ति में, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतने दूर दूर से आके सभी शिव महापुराण की कथा का कितना भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सभी को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, कोरबा बालको से। कब से आए हो? हम लोग कल 1:30 बजे आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ की जितनी भीड़ देख। बहुत मजा, बहुत मजा। हम लोग बालको कोरबा। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। रोज आ रहे सुनने के लिए? हाँ।
डेली आ रहे हैं। भैया आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भीड़ देख के कैसे लग रहा है? बहुत कैसा लग रहा है भैया? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। एक कब से आ रहे हो? लग रहा है हम लोग 3 दिन मस्त बहुत। कहाँ से आए हो? हम लोग गोंदिया से। अच्छा रोज आ रहे हो? हाँ डेली डेली। कहाँ से आए हो? भिलाई से आई हूँ मैं। अच्छा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लगा था? अच्छा लगा था, उनको खुद लगा ला रहा है। कथा सुन के कैसा लगा? अच्छा लगी, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुखी लग रहा है। बिरगांव से? हाँ बिरगांव। कैसे लगा था? बहुत मजा आते। कब से आए हो? शुरू दिन से, शुरू से। और यही रुका था? हाँ यही रुका था। कब ले आओ? 5 दिन हो जाता है काली करे। सजावट अभी भजन में? हाँ। आप कहाँ से आए हो? दुर्ग से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ बहुत। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो कहाँ से आए हो? दुर्ग से आए हम लोग। कब से आ रहे हो? हम लोग 4 दिन हो गया आज, यही बस। हाँ यही मोक्ष मिल जाए वही बढ़िया। कथा सुन के शिव भगवान के भक्ति में डूब के कैसे लगी? 4 दिन इतना आनंद लगी, इतना घर के लड़का चिंता भीड़ लगी। कहाँ जा रहे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जा रहे हैं बहुत खुशी से हम लोग, सिकोला बस से आए हैं हम लोग, एकदम धन्यवाद बोल रहे महाराज। क्या हो? पाचन देवादा। अच्छा मजे बने लगे थे? बहुत आनंद, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कब से आए हो? मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा। मैं जॉब करती हूँ लेकिन मैं आज आके पछता रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई, अभी आना चाहिए था मेरे। कल भजन के मजा नहीं लेवा था? लेवा था ना, बहुत नाचत नहीं वहाँ पर है। नाचबो ना थोड़ा देर में, नाचबो अभी। अरे भाई जल्दी जल्दी, अभी महापुराण चला थे, सुस्ती नहीं लिखाना है। हाँ हाँ ठीक है ना। कहाँ ले आओ अपन? माना से। कैसे लगा था? बहुत मजा आवा थे। कौन दिन ले आओ था? पहले दिन से। मोला तो नहीं आए नाचे, बोले बाबा को शरमाना नहीं चाहिए। हाँ नाचबो। मैं माना टेमरी ले। अब भजन चला थे, सब जन खड़े होकर नाचा थे, ते कैसे बैठ गया? नाचबो ना, अभी बाजा बंद है ना। ले तो हमला दिखाना, चलना नाचबो का बन। जल्दी खड़े हो, बाबा बोलते सुस्ती नहीं दिखाना चाहिए। दिखावा सुस्ती? बाबा को हाथ ला पकड़ लेना मन तो। नदी धुल ले आज, अच्छा एनर्जी दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोसबारा से। कैसा लग रहा है आगे? ठीक लग रही है। कब से आए हो? मैं कल से। तो भजन चल रहा है, बैठे हुए हो? अरे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? भजन सिर दर्द कर रही है। आपको कैसा लग रहा है जी? आज बहुत अच्छा लग रहा है जी, यहाँ आके मजा आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। चारों धाम की यात्रा यही मिल गई? मिल गई जी पूरा। भीड़ देख के आप क्या कहेंगे भीड़ के लिए? अब ये तो शिव की कृपा ही है बहन, है ना, मतलब सारे इकट्ठा हुए हैं। दादा का बात में विचार करत हो आप मन अभी? हाँ का बात करत हो अभी? अभी वही शिव पुराण के बात। तो उसी पर तो भजन चला थे बैठे हैं बस। हाँ भजन चला थे तो यही में बैठे बैठे भजन। तो भजन में तो अच्छे से नाचना चाहिए, सब जन नाचा तो नहीं? अब इसने नाचा था, सियान आदमी नहीं कूदन हम। सियान आदमी तो ऊपर नाचते नहीं कूदन हम, मैगन रही थे इसने। कहाँ लाओ दादा आप? हाँ वही बात चला था हमारे तीनों के, अभी देखे जन। अच्छा कैसे लगा था भजन? हाँ मजा आते लगा थे। हाँ अपन मुकेश कैसे लगा था वहाँ के? बड़े लगा था वे, आखिरी दिन हरे काली। हाँ। आज बस रुकना है, दान कल चलना है। जैसा जैसा गंगा से हम यहाँ आ गए हैं ऐसा देख के हम। आप कहाँ से? राजनांदगांव से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कथा सुन के। हाँ अच्छा लग रहा है। मैनपुर से, गैरेबल मैनसुर से। कैसे लगा थे मेरा? अरे बहुत जोरदार लगा था भाई, एकदम जोरदार। पहली बार ले आओ अपन। हाँ 3-5 दिन हो गए। चले भजन में डांस करके दिखा देते। हाँ हाँ दिखा दे बोला सब। जल्दी चालू कर। हाँ हाँ हाँ। कहाँ ले आओ दादा? मैनपुर से। कैसे लगा था? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार शिव भक्त। बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम लोग सुबह आए थे 10 बजे करीब, VIP पास था। हाँ। और यहाँ सब परिचित भी थे लेकिन वो पंडाल के अंदर थे और दर्शन करने, अभी हम लोग दर्शन करने के लिए आए मात्र। रात रुक जाए यहीं पर। रुक जाइए रुक जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, शिव की भक्ति अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। इतनी भीड़ देखे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो? हम लोग उड़ीसा मैनपुर से आए हैं। अच्छा कहाँ से आए हो? मैं यहीं से हूँ, रायपुर से बिरगांव। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। अच्छा आप यहीं रुके थे? आप कहाँ से आए हो? मैनपुर देवभोग। गरियाबंद जिला देवभोग। कैसे लगा थी मेरा आगे? यही
कैसे लग रहा है? दादा स्वर्ग में आए हैं जैसे। स्वर्ग आ गए? मजा आवत मतलब कथा सुन के एकदम। तो भजन में सब जन नाचो? कहाँ से आए हो? धमतरी। अच्छा लग रहा है आके? बहुत। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भुला गए हो? भुला गए हो? काला भुला गए? बिलासपुर के बोला साथी लोग को भुला गए? साथी मान लो भुला गए? साथी मान लो के जन आ रहे हो? तो दो जन है। अच्छा दो मिनट जाके अनाउंसमेंट करवाबे मेरे गांव यहां गिरे कारीगर धनु ना है। अच्छा बने लागत तो कथा सुन के आओ धनु। हां नहीं खाएंगे ना तो भुला गए बेटी। अच्छा अब कब कब ले आता था? वह शुरू दिन के अकेला है। ओ अवेली ला है ना अवेली। हाँ बने लगी ना ते मेरा के। हाँ अच्छा लगी सब खा गए रहनी तो ढकलक बकुला में सब घछूट गए। इसलिए हाथ ला धर के नहीं रखती संगवारी हर तो भुला गए। आप कहाँ से आए? हम लोग ठाकुर कापा गांव से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही आनंद। अच्छा लग रहा है कथा सुन के? हाँ बहुत ही। कैसी लग रही है? भीड़ देख के तो बहुत सी गायब हो गया। बहुत अद्भुत माहौल और ये बहुत सुंदर माहौल है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा बरसी है और गुरु महाराज प्रदीप मिश्रा में स्वयं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है कि पब्लिक अपने आप भोलेनाथ के, ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा छत्तीसगढ़ आ गया यहाँ, छत्तीसगढ़ पूरा समा गया ऐसा लग रहा है। भोलेनाथ की इतनी पावन कथा शिव पुराण और प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी के मुख से सुनने का जो आनंद है, ऐसे लगता है कि स्वयं भोलेनाथ उनके अंदर समाहित है और कथा सुनने का आनंद अलग है। भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ।